मैसेज जो आपने एक एकता का पैगाम अभी अंदर देने की कोशिश की है, जो माहौल बन रहा है आपस में भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सिर्फ इंसानियत, अब्दुल कलाम बनो, कभी मत छोड़ो, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान का औलाद है इंसान बनेंगे, खुदा ने तो इंसान बना के भेजा है मुझे यहाँ पे, यहाँ सलामी करके सिर्फ मुसलमान बना है कि हमने गोश्त खाएंगे, जान खाएंगे, जान खाएंगे, कोई नहीं, एक इंसान है, न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की और इंसान औलाद, सिर्फ अब्दुल कलाम तो बनो, अब्दुल हसन तो बनो, अब्दुल आगा खान तो बनो। ये देखो ना, भगवान शंकर, कृष्ण भगवान खुद गए सिलाई करते हुए कपड़ा पहनने के लिए आगा खान के पास कि मुझे कपड़ा सिल दो, जुल्हा बाबा बन गए। इसलिए नाम से कुछ नहीं होता, सिर्फ काम, अभी जो हो रहा है वो अच्छा काम हो रहा है, अच्छा होगा, सबके हितकारी है। पलपल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। निज़ामुद्दीन में मैं मौजूद हूं और निज़ामुद्दीन की तस्वीरें लगातार लॉकडाउन के दौरान भी हम लोगों के सामने आई हैं, जहां किसी भी गरीब मजदूर को सड़कों पर भूखे प्यासे मरने के लिए सरकार के नुमाइंदों द्वारा छोड़ दिया गया था, तब यही युवा सड़कों पर नजर आए थे। यूथ ऑफ निज़ामुद्दीन से जुड़े हुए ये लोग, ये मेंबर लगातार एक भाईचारे की मिसाल को पेश कर रहे हैं, और आज भी जो काम सरकारों का था, आज इन लोगों ने अपने हाथ में ये बीड़ा ले रखा है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि जहाँ एक तरफ नफरत भरा माहौल चल रहा है, उस नफरत भरे माहौल में एक एकता का पैगाम आप लगातार देने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरकार ये थॉट आपके दिमाग में आता कहाँ से है? देखिए, हमारा जो ग्रुप है, हमारी जो तंजीम बनी हुई है यूथ ऑफ निज़ामुद्दीन, ये मस्जिद और मदरसों की सफाई के लिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की सफाई के लिए हमने ये अपनी एक तंजीम बनाई थी, तो उसके फाउंडर मेंबर इरशाद भाई हैं। तो जब हम जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में सारे लोग हम इकट्ठा हुए, इकट्ठा होने के बाद हमने सोचा कि क्या होगा उन लोगों का जिन लोगों के काम धंधे बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो उस वक्त से दिमाग में ऐसे आइडियाज़ आते रहे कि हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे भलाई के काम कर सकते हैं, जो सरकारें नहीं कर पा रही हैं वो जिम्मा हमने उठाया। जैसे कि सबको पता है, लॉकडाउन में कंटिन्यू 81 दिन तक इसी लंगर खाने से काम हुआ, और घर घर जाके लोगों को खाना बांटा, सहरी बांटी, इफ्तार बांटी लॉकडाउन के दौरान में। उसके बाद में बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम MLA ने बिल्कुल मना कर दिया था करने के लिए यहाँ पर, मतलब कुछ कोई आ नहीं रहा था, कोरोना बम बता दिया गया था निज़ामुद्दीन बस्ती वालों को, निज़ामुद्दीन बस्ती के लोगों को, तो यहाँ पर सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा था। तो ये ग्रुप खड़ा हुआ, उसने यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया और भी बहुत सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो इसी को देखते हुए दिल्ली में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा था, हमने कई बार बोला कि यहाँ पर फॉगिंग कराई जाए, दवाई डलवाई जाए, तो नहीं हो पाया। तो हमारी पूरी टीम ने ये जिम्मा लिया, एक भाई से बात करी, उन्होंने ये मशीन दी हमें, ये मशीन एक भाई ने हमें गिफ्ट की कि आप अपना काम करें, तो ये हम कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ बस्ती हसन निज़ामुद्दीन में नहीं कर रहे हैं, यहाँ की गलियों में नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ की मस्जिदों में, यहाँ के मंदिरों में, यहाँ के गुरुद्वारों में भी हम फॉगिंग करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आप मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में जो काम करना है उसके लिए जाएंगे, पर सबसे बड़ी बात, अभी वक्त के जो एक हफ्ते में तस्वीरें देखने को मिली हैं, मंदिर में पानी पीने को लेकर के एक आसिफ पर वार हो जाता है, ऐसे में आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है एक मिसाल पेश करने की? देखिए, हम लोग जो रहते हैं वो हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती में रहते हैं, और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में यहाँ पर बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं, ना वो हिंदू होते हैं ना वो मुसलमान होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं इंसानियत के नाते, हर धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं इंसानियत के नाते, क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने मोहब्बत का पैगाम बांटा है, उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब को आम किया है। तो हमारा यही पैगाम है कि उन नफरती लोगों के लिए कि अगर वो मस्जिदों में, मंदिरों में जाने से, पानी पीने से हमें रोकते हैं, तो हम जाएंगे मंदिरों में भी, फॉगिंग करेंगे। और अभी हाल फिलहाल में होली आने वाली है, होली में यहाँ पर हमारे निज़ामुद्दीन बस्ती में होली होला मोहल्ला कुछ एक आता है,
तो उसमें भी हम इंशाल्लाह पानी बांटने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग आए वहाँ पर गुरुद्वारे में, तो वहाँ पर हम पानी बांटें और इससे एक मोहब्बत का पैगाम हम पूरी आवाम को हिंदुस्तान के देना चाहते हैं। ये यूथ ऑफ निज़ामुद्दीन की टीम है जो लगातार एकता का पैगाम देने की कोशिश कर रही है। इस टीम की खासियत ये है कि लगातार एकता का पैगाम दे रही है और जो नफरत फैला रहे हैं उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ने की कोशिश लगातार इन लोगों की तरफ से की जा रही है।